नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Flipkart में ईमेल आईडी को कैसे अपडेट करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों जब हम Flipkart अकाउंट क्रिएट करते हैं तो या अपने दोस्त का ईमेल आईडी डाल देते हैं या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर का ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस ईमेल आईडी को हटा के अपना ईमेल आईडी कैसे डालें, कैसे अपने ईमेल आईडी को अपडेट करें। तो दोस्तों Flipkart अकाउंट में अपने ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए ओपन करते हैं अपने Flipkart एप्स को। Flipkart एप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखलाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा माई अकाउंट का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा माई अकाउंट। अब माई अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका नेम दिखता है और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर दिखता है और उसके नीचे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होता है। इसी ईमेल आईडी को हमें चेंज करना है और चेंज करके यहाँ पे नया ईमेल आईडी डालना है। तो इसे डालने के लिए यहाँ पे आपको एक पेंसिल सा आइकॉन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, पेंसिल वाला आइकॉन पे। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखता है तो यहाँ पे इस ईमेल आईडी को हटा के यहाँ पे आपको नया ईमेल आईडी डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इस ईमेल आईडी को हटा के नया ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। नया ईमेल आईडी डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे अपडेट पे, तो क्लिक कीजिएगा अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पे आपके नए ईमेल आईडी पे एक ओपीटी भेजना होता है, जो ओपीटी को यहाँ पे डालना होता है ऊपर में, और इसके बाद आपके पुराने वाले ईमेल आईडी पे, मतलब कि Flipkart एप्स में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था उस ओपीटी को यहाँ पे डालना होता है और इसके बाद यहाँ पे Flipkart एप्स का पासवर्ड डालना होता है। तो चलते हैं हम अपने जीमेल एप्स में और उस ओपीटी को देखते हैं कि कितना ओपीटी आया हुआ है। यहाँ पे हम अपने जीमेल एप्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस ईमेल आईडी से लॉगिन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपने नए ईमेल आईडी से लॉगिन हूँ, यहाँ पे मेरा नया ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम अपने नए ईमेल आईडी से लॉगिन हैं। तो यहाँ पे हम ओपीटी को देखते हैं कितना ओपीटी आया हुआ है और इस ओपीटी को अपने Flipkart एप्स में हमें डालना है। अब आपके पुराने वाले मेल पे एक ओपीटी आया होगा, उस ओपीटी को यहाँ पे डालना होगा। तो चलते हैं हम अपने फिर से जीमेल एप्स में और यहाँ से इसे बैक करते हैं और यहाँ पे पुराने वाले जीमेल से हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए Flipkart एप्स के तरफ से हमें ओपीटी आया हुआ है। दोनों ओपीटी डाल देने के बाद यहाँ पे आपको अपने Flipkart एप्स का पासवर्ड डालना होगा, तो यहाँ पे हम अपने Flipkart एप्स का पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सेव पे। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारी ईमेल आईडी चेंज हो जाती है। यहाँ से आते हैं हम बैक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी पहले technicalplug@gmail.com था, जो अब चेंज होके amitssm4time2@gmail.com हो गया है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने Flipkart एप्स में अपने पुराने ईमेल आईडी को चेंज करके अपना नया ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।